हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईजीबे। ईजीबे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का क्या स्रोत है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस देश से क्या कॉन्सेप्ट लिया गया, कौन सा परिभाषा लिया गया हमारे भारत का संविधान बनाने के लिए। ठीक है, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 फॉर्म द बेसिक और ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान है उसका ब्लूप्रिंट बनाया गया था, लिया गया था किससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, क्या क्या लिया गया था, फेडरल स्कीम है ना, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, PCS और अदर बहुत कुछ। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि किस देश से क्या क्या लिया गया है, किस कंट्री से कौन सा कॉन्सेप्ट हमारे भारत के संविधान बनाने के लिए यूज किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें USA में, देखिए इसको ना हम ट्रिक से आपको बता रहे हैं। ट्रिक ये क्या है कि अभी के समय में दुनिया में सबसे सुपर पावर कंट्री कौन है, USA है। तो सबसे पहले हम लोग USA के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जैसे पावर घटते जाएगा, मतलब उस सीरीज से थोड़ा सा आपके माइंड में ट्रिक सेट हो, इसलिए हम ऐसा किए हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारा USA भी सुपर पावर है, तो USA से शुरू करते हैं, यूनाइटेड स्टेट। उसे क्या क्या लिया गया है वो हम समझेंगे हमारे भारत को संविधान बनाने के लिए। तो देखिए, पहला जो चीज़ लिया गया वो फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि USA बहुत ऐसे संस्था बना रखा है, जैसे UNO बना रखा है, या उसके जो स्टेट है ना, वो क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। जैसे कि चाइना में ओगिर मुस्लिम के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मतलब उसको टॉर्चर किया जाता है, तो USA उस पर आवाज़ उठाता है। यानी कि कहीं भी माइनॉरिटी के ऊपर या कहीं भी किसी भी देश में किसी इंसान पे अगर उसका फंडामेंटल ड्यूटी खत्म हो रहा है, राइट्स खत्म हो रहा है, तो USA उसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, USA से लिया गया। फंडामेंटल राइट्स कैसे याद रखेंगे कि USA हमेशा फंडामेंटल राइट्स की आवाज़ उठाते रहता है। उस दूसरा हमारा है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ये भी कहाँ से लिया गया, USA से। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियल यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका ये दोनों आपस में कोलैप्स नहीं करेंगे, ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट रहेंगे, यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका बीच में दखलअंदाजी नहीं करेगा और ये इसको नहीं करेगा। ये भी कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, USA से लिया गया। फोर्थ जो है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा जो भारत का संविधान है वो रिटेन फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, प्रीमेबल। फिफ्थ हमारा क्या है, प्रीमेबल। सिक्स्थ हमारा क्या, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन है, वेंकैया नायडू, उनका जो पोस्ट है ये भी कॉन्सेप्ट किससे लिया गया, USA से लिया गया। लास्ट इम्पैचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो इम्पैचमेंट होता है ये भी कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, USA से लिया गया। तो USA से आपका पहला लिया गया फंडामेंटल राइट्स, दूसरा रिव्यू, तीसरा इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशली, चौथा हमारा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीमेबल, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इम्पैचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये सारा जो कॉन्सेप्ट है हमारे संविधान बनाने के लिए कहाँ से लिया गया है, USA से लिया गया है। USA के बाद उसका सबसे करीबी दोस्त किसे माना जाता है, ब्रिटेन को, है ना, ब्रिटेन को सबसे ज़्यादा करीबी माना जाता है और थोड़ा सा डेवलप्ड कंट्री भी है। तो उसके बाद हम किसकी ओर बढ़ेंगे, ब्रिटेन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन से देखिए क्या क्या लिया गया है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकार बनाते हैं वो कैसा होना चाहिए, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होना चाहिए। जिससे भारत में हमारा क्या पार्लियामेंट है, संसद है, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से, यानी कि एक देश में संसद होना चाहिए, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो लॉ है उसका एक रूल होना चाहिए कि कैसे कैसे रूल, क्या व्यवस्था रहेंगे, कानून व्यवस्था, लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूर, जो हमारा राज्यसभा लोकसभा में जो हमारा रूल बनते हैं, लॉ बनते हैं, बिल बनते हैं, उसका क्या प्रोसीड्यूर है, ये क्या प्रोसीड्यूर है, ये भी किससे लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। ऑफिस ऑफ CAG, CAG क्या है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, ये हमारा एक संवैधानिक पद है, कंट्रोलर जनरल एडिटर, जो कि भारत सरकार में बहुत रिप्यूटेड पद माना जाता है, उसका एक ऑफिस होना, ये भी किससे कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। सिंगल सिटीजनशिप, देखिए जब हम कल की क्लास में आपको बता रहे थे आर्टिकल्स के बारे में, जिसमें हम बताएं संविधान अनुच्छेद पार्ट ए, अनुच्छेद भाग दो, उसमें आपको हम बताएं
क्या जो हमारा पार्ट भाग दो है आर्टिकल्स 5 से लेकर के 11 तक, उसमें सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगर कोई नागरिक इंडिया का सिटीजनशिप लिया हुआ है और वो बाहर यूएसए चला गया और यूएसए का भी सिटीजनशिप ले लिया है, तो उसको फिर इंडिया का सिटीजनशिप ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप, एक आदमी को एक ही सिटीजनशिप मिलेगा। बायकार्मलिज्म, ठीक है, कैबिनेट सिस्टम, ये जो हमारा कैबिनेट है, आप लोग देखते होंगे कि मोदी कैबिनेट है ना, मोदी सरकार का मंत्रिमंडल है ना, योगी सरकार का मंत्रिमंडल, तो ये जो कैबिनेट सिस्टम है ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग देखें कि यूएसए से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से क्या क्या कॉन्सेप्ट लिया गया है। आगे अगर जो हम बढ़ें तो इसके बाद एक और आप जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया साथी दोस्त है ना, क्वाड कंट्री का, ये क्वाड में अगर आप लिखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, ये सारे कुछ आते हैं, तो ये सब नॉर्थ डेवलप्ड कंट्री है। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया, कंक्रेंट लिस्ट लिया गया है। ठीक है, प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रेड, ट्रेड के रिगार्डिंग, यानी कि जो हमारा व्यवसाय होता है, ट्रेड होता है, उससे क्या रिगार्डिंग प्रोविजन होना चाहिए, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, आप लोग जानते होंगे कि पार्लियामेंट, नहीं जानते होंगे तो हम पढ़ाएंगे कि जैसे हम लोग यहाँ लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार से, ऑर्डर के अनुसार से, या प्रधानमंत्री बोलते हैं राष्ट्रपति को कि ज्वाइंट सिटिंग में, जैसे कि कोई बिल पास कराना हो या बिल में बहस हो गया, अमेंडमेंट लाना हो, नियम लाना हो, तो उसको करने के लिए क्या करते हैं ना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोलते हैं कि आप रिक्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि आप ज्वाइंट सिटिंग को पार्लियामेंट बुला लीजिए, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को इकट्ठे बुला लीजिए और सारा को डिस्कशन किया जाएगा। तो ये ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला जो कंट्री है वो आपका जर्मनी है। जर्मनी से सिर्फ एक चीज़ लिया गया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। देखिए, आप लोग जान रहे हो कि जर्मनी जब वर्ल्ड वार टू हुआ था, उसमें हिटलर वगैरह सब थे, तो वहाँ पे क्या था, बहुत मतलब उस समय थोड़ा सा हार्ड कोर लीडर माना जाता है, तो वहाँ पे क्या होता था कि जर्मनी से, आप कैसे याद रख सकते हैं कि जर्मनी से क्या लिया जा सकता है, तो फंडामेंटल राइट्स, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि जब आपके देश में इमरजेंसी लग जाती है, जब किसी देश में इमरजेंसी लग जाती है, तो आपका जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स की, जैसे कि आप बाहर घूम सकते हैं, कहीं पर भी आप बैठ सकते हैं, कहीं पर भी खाना खा सकते हैं, किसी से भी कुछ बोल सकते हैं, कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, ये सब आपका फंडामेंटल राइट्स है। तो जब वो इमरजेंसी लग जाता है तो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है, उसका सस्पेंशन हो सकता है, वो लागू नहीं रहेगा। ये कॉन्सेप्ट किससे लिया गया है, जर्मनी से लिया गया। अगला फ्रांस, ठीक है, जहाँ से राफेल हम लोग खरीद रहे हैं आ रहा है, फ्रांस से क्या लिया गया, एक ही चीज़ लिया गया, रिपब्लिक एंड आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेंटर्निटी ऑफ प्रीमियर, यानी कि जो आइडिया है लिबर्टी का, इक्वलिटी का, फ्रेंटर्निटी का, ये कहाँ से लिया गया बाबू, ये फ्रांस से लिया गया। अगला जो है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, तो साउथ अफ्रीका से जरूरी पूछेगा कि साउथ अफ्रीका से क्या लिया जाता है। तो साउथ अफ्रीका से जो आपका लिया जाता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ध्यान रखिएगा कि साउथ अफ्रीका से आपको जो लिया जाता है उसका है, पहला है प्रोसीड्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आप लोग देखते, अगले पॉलिटिक्स के क्लास में बताएंगे कि जो हमारा संशोधन में, जो संविधान में जो संशोधन किया जाता है, ये कहाँ से लिया गया है, ये कॉन्सेप्ट कि हाँ संविधान में भी संशोधन हम लोग कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट लिया गया है कहाँ से, साउथ अफ्रीका से लिया गया है, कि प्रोसीड्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि संविधान में संशोधन करने का क्या प्रोसीड्यूर है। अगला है इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का जो इलेक्शन है उसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए, ये भी कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट आपका बच्चा है आयरलैंड, आयरलैंड से क्या लिया गया है, डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना। सेकेंड लिया गया मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा भारत का राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, यानी कि उसका जो उनका मेथड ऑफ इलेक्शन, उनको किस तरह से नॉमिनेट हम लोग किया जाता है, वो कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में मेंबर का नॉमिनेशन किस तरह से किया जाता है, ये भी कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, तो किस किस देश से भारत के संविधान बनाने के लिए कौन कौन कॉन्सेप्ट लिए गए हैं, कौन कौन विधि लिया गया है, ये आयरलैंड से क्या लिया गया है, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, फ्रांस से क्या लिया गया है, यूएसए से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, ये सारा कुछ हम इस
एक 10 मिनट का लेसन में आपको डिस्कशन करने की कोशिश किए। और आई होप कि अगर आप ये पूरा लेसन देखे हैं तो कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, मिल रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कर रख लें। थैंक यू सो मच।